नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा पाठ्यक्रम निर्माण में आने वाली बाधाएं, यानी हम जो पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से हम कहते पहले हम पाठ्यक्रम का नियोजन करते हैं, फिर पाठ्यक्रम के आधार पर हम हमारी पाठ्यचर्या भी बनाते हैं, अर्थात हम हमारे करिकुलम बनने के बाद में हम सिलेबस का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें मैं ये बताने जा रही हूँ कि पाठ्यक्रम का जब हम निर्माण करते हैं, तो निर्माण करते समय हमारे लिए कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। मैंने निर्माण करने का आपको स्ट्रक्चर बताया था कि हम किस तरीके से इसका निर्माण करते हैं, ये हमारे किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसमें क्या विशेषताएं होती है, यहाँ तक कि मैंने इनके प्रकारों के बारे में भी आपको अध्ययन करवाया। अब आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं, तो हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, तो कार्य करने पर हमारे सामने कई बाधाएं हमारे सामने आती हैं, वो हमारी समस्याएं हमारी बाधा बन जाती हैं। तो वही चीज हम इस पाठ्यक्रम निर्माण में भी कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम का जब निर्माण होता है, तो उस निर्माण में हमारी कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, वो हमारी समस्याएं हमारे लिए हमारी बाधा बन जाती हैं, जिससे कि हमारा कार्य अवरुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि जब हमारे सामने बाधाएं आती हैं, तो बाधाओं के लिए एक चीज हम करेंगे कि अगर बाधा जो इंसान पार करते हैं, हमारा एक सत्य है इस चीज को कि अगर बाधा जो हम कार्य करते हैं उसके सामने हमारी जो रुकावटें आती है, जो बाधाएं आती हैं, अगर उस बाधाओं को मनुष्य ने पार कर लिया, तो कहा जाता है कि या तो हम कार्य करके निखर जाते हैं या हम बिखर जाते हैं। यानी हम जो कार्य करते हैं, जब कार्य करके इंसान का कई बार कहते हैं जो बाधाएं उनके सामने आती हैं, उनसे उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, तो कई तो उससे टूट जाते हैं और कई उस कार्य को पूरा कर जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कुछ तो निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। तो यही हम है कि हमारे सामने जो बाधाएं आती हैं, हमारे जीवन में भी हमारे सामने कई बाधाएं आती हैं, लेकिन हम उन बाधाओं को पार करते हैं। तो पाठ्यक्रम निर्माण में भी हमारी ऐसी कई बाधाएं होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। वो बाधाएं कौन कौन सी हैं, उनका मैं इस वीडियो में वर्णन कर रही हूँ। फर्स्ट है हमारा शिक्षकों की जड़ता एवं रूढ़िबद्धता। हम मानते हैं कि जो शिक्षण का कार्य होता है, जो शिक्षण का हम कार्य करते हैं, किसी भी शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन और क्रियान्वयन किसके द्वारा होता है, शिक्षकों के द्वारा होता है। और अगर शिक्षक हमारे रूढ़िवादी हुए, रूढ़िवादिता का मतलब हम जानते हैं, जड़ता का मतलब जो जड़ बना लेते हैं अपनी, यानी कि एक तरीके से हम उस चीज को ये मान लेते हैं कि हम इसे परिवर्तन ही नहीं करेंगे। तो रूढ़िवादिता का अर्थ यही है कि शिक्षक जो अपने कार्य में नवीन परिवर्तन नहीं करना चाहते, जो प्रारंभ में चला आ रहा है उसको वो बदलना नहीं चाहते, वो ऐसा कार्य करते हैं। कहते हैं ना, जैसे कार्य हमारी आवश्यकता और समय के अनुसार परिवर्तन होता है। आज की जो हमारी नवाचार शिक्षाएं हैं, उनको अपनाने में से वो उन्हें क्या होता है, संकुचित होते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कई शिक्षक ऐसे होते हैं कि जब पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने पर भी वो अपनी पुरानी जो उनकी सोच है उसको वो नहीं छोड़ते हैं। तो इससे रूढ़िवादिता है, जिसमें कि नवाचारों का समावेश नहीं होता और हम पुराने जो हमारे कार्य हैं उसी तरीके से हम कार्य करते चले जाते हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जब हम हमारे कहते हैं शिक्षक जो होते हैं, वो हमारे कैसे होने चाहिए, श्रमशीलता होनी चाहिए, हमारे भविष्य उन्मुख होने चाहिए। तो शिक्षक को हमारे श्रम में और हमारे भविष्य उन्मुख में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि उन परिवर्तनों को वो स्वीकार नहीं करते और अपने जो पुराने जो उनके कार्य होते हैं वो इस तरह से जड़ कर जाते हैं, इतनी तरह गहराई में जड़ जाते हैं वो, कि वो उनको छोड़ना ही नहीं चाहते और वो उसी आधार पर कार्य करते रहते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए एक बाधा का स्वरूप बन जाता है। हमने देखा है कि आज के जो शिक्षक है उसके लिए कंप्यूटर की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, यानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी ये चीज बता दी गई कि नवाचार जो
की शिक्षा है उसका ज्ञान शिक्षक को आना चाहिए, लेकिन उसमें भी हमने देखा है कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें टेक्निक नॉलेज नहीं है, वो लेना ही नहीं चाहते कि वो किस तरीके से तकनीकी शिक्षा का करें। अब जब तकनीकी शिक्षा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया, उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को शिक्षा देने का समय आ गया, लेकिन शिक्षक कहाँ है जहाँ पहले थे, यानी कि वो अपनी परंपरा को, अपनी रूढ़िवादिता को, विचारों को वो नहीं छोड़ रहे हैं। और फिर क्या होता है, उससे हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा का ढांचा है वो कैसा होता है, शिक्षा का ढांचा हमारा एक तरीके से विफल हो जाता है या हम कहें अप्रभावी होता है। तो इसमें हम कहते हैं कि शैक्षिक जड़ता एवं रूढ़िवादिता, इसके लिए हमारे डॉक्टर सीवी ने कहा है कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाने तथा नवाचारों को अपनाने के मार्ग में शिक्षकों की जड़ता एवं रूढ़िवादिता सबसे बड़ी बाधा होती है। यानी कि हम नई चीजों को ना अपनाकर और जो हमारी पुरानी चीजें हैं उन्हें हम इतनी ज्यादा गहराई से सोच लेते हैं कि हम उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते। तो हमें ये मानना चाहिए या शिक्षक ऐसे होने चाहिए अगर हमारा पाठ्यक्रम के साथ साथ उन्हें भी परिवर्तन होना चाहिए, उन्हें इस तरीके से रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए कि वो अपनी जो हमारी पुरानी चीजें हैं उन्हें ना छोड़कर और वो नवीन चीजों को ग्रहण ना करें। इसीलिए हम कहते हैं कि शिक्षक जो होते हैं, हम जिन चीजों में नवाचारों को अपनाने तथा अपने उसका संरक्षण करने में संकोच करते हैं उसको छोड़ना चाहिए और उन्हें अपने छात्रों के भविष्य उन्मुख के लिए उन्हें नवाचार साधनों का या नवाचार पाठ्यक्रम जो हमारे समाहित होते हैं उनका उन्हें प्रयोग करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने, डॉक्टर सीवी ने यही कही थी कि यही विचार हमारे, जो हमारे रूढ़िवादिता के विचार हैं, ये हमारे परिवर्तन लाने में भी हमारे लिए बाधा हो जाती है, क्योंकि परिवर्तन कौन लाएगा, शिक्षक। क्योंकि इसके लिए कहते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की अहम भूमिका होती है, उसको संचालित करने का श्रेय हमारे शिक्षक को होता है, लेकिन जो संचालित कर रहा है अगर वो ही परिवर्तन नहीं होगा, वो खुद अपने अंदर परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम हमारे पाठ्यक्रम में परिवर्तन हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इस रूढ़िवादिता को छोड़ना चाहिए, हमें नवाचार जो आ रही है हमारी शिक्षा में उसको अपनाना चाहिए। तो ये जो हमारी बाधा के रूप में होता है, हमें इन बाधा को दूर करना चाहिए। सेकंड है हमारी राष्ट्रीय हठधर्मिता, जिसके लिए हम जिद कर लेते हैं, हट कर लेते हैं कि हमारा ये धर्म है। तो यहाँ पर धर्म कौन सा बता दिया, राष्ट्रीयता का, यानी राष्ट्रीय हठधर्मिता। अब इसके नाम से हम संबोधित हो रहे हैं कि जो अपने राष्ट्र के प्रति हट रखता है। हम कई बार देखते हैं कि हम जो प्रतिमान जो हम काम में लेते हैं, दो कहते हैं कि शिक्षा के अंदर जब हम पहली क्या होती है, इसकी दो स्थितियां होती है। पहली कहते हैं पाठ्यचर्य विकास के संबंध में राष्ट्र के सम्मुख दो चुनौतियां होती है या दो स्थितियां होती है। पहली, किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या करते हैं, विदेशी प्रतिमानों पर नहीं चल सकती, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा विदेशी चीजों को, अगर हम ये कहें कि दूसरे देश के हमें प्रतिमान या उनकी शिक्षा प्रक्रिया अगर हमें अच्छी लग रही है तो हम सारा कि सारा विदेशी प्रतिमानों को नहीं अपना सकते। और एक दूसरा कि अगर हम राष्ट्र के प्रति इतनी हठधर्मिता रखते हैं कि हम अगर हमारी हमारे कार्य में कमी है लेकिन हम विदेशी चीज को नहीं अपनाते, अर्थात हम अपने देशी चीज को अपनाना चाहते हैं, ये हमारे लिए हमारी हट बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही तो हमें पूर्णतः विदेश जो कहते हैं कि हमें दूसरों की चीजों को अपनाना चाहिए, और ना ही हमें इतनी हट रखनी चाहिए कि हम अपने ही देश की चीज को या अपने राष्ट्र को सर्वोपरि माने। अर्थात अगर हमारे लिए इस चीज की आवश्यकता है कि उसमें कहीं ना कहीं जो विदेशी प्रतिमान या विदेशी देश की प्रक्रिया है, दूसरे देश की प्रक्रिया है, अगर उसमें हम उसको समायोजन करने में कहीं थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन करने से हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है तो हमें वो चीज अपनानी चाहिए। इसीलिए इसमें कहते हैं कि हमें दोनों चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें इतने
राष्ट्रीय हर धर्मिता नहीं अपनानी चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के अलावा और हम दूसरी चीज को मानने की कोशिश ना करें। इसीलिए हमें इस राष्ट्रीय हर धर्मिता को छोड़ना चाहिए। सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारा आस्थाओं एवं सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की कमी। यानी कि जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो पाठ्यक्रम के निर्माण में हम जो सिद्धांत बना देते हैं उन सिद्धांतों के प्रति हमारी वो पूर्ण आस्था नहीं होती। अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं हमें संशय रहता है कि पता नहीं हमने जो सिद्धांत बनाए हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं। तो यहाँ पर यही चीज सही है कि आस्था और सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता में कमी दिखाई देती है। शिक्षक को विश्वास नहीं रहता या कहें हमें हमारे पाठ्यक्रम पर वो विश्वास नहीं रहता कि ये पाठ्यक्रम हमारे उन सभी शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करवाएगा जिसकी कि हमें आवश्यकता है। हम कहते हैं कि जो हमारे नवीन परिवर्तनों के प्रति कार्यकर्ताओं में अधिकांशतः हम क्या करते हैं आस्था एवं विश्वास की कमी पाई जाती है। हमें उनके प्रति विश्वास नहीं होता। हम जो सिद्धांत बना रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे अंदर उनको अपनाने में डर होता है और डर कहें तो हमारा एक डर हमारा कहते हैं कि हम डर कहाँ पैदा होता है जहाँ हमें विश्वास नहीं होती। तो वही चीज यहाँ कही है कि जब हमें सिद्धांतों के प्रति हमारा विश्वास कम होगा तो हमारे लिए हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में वो सबसे बड़ी बाधा होगी। क्योंकि उस बाधा तो वो बाधा तो बनी जाएगी जब हमारे किसी कार्य में कहते हैं कि अगर विश्वास पर सारा कार्य है या विश्वास पर उम्मीद जो हमारी उम्मीद होती है उम्मीद हमारी विश्वास यानी कि उम्मीद पर दुनिया टिकी रहती है। तो अगर हमें जब विश्वास नहीं होगा हमें उम्मीद नहीं होगी हमें आस्था नहीं होगी तो क्या हम हमारे जो शिक्षा से संबंधित हम हमारे नियम हमारे उद्देश्यों को लेकर चल रहे हैं हमारे उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं होगी। या हम कहें कि हमारे कार्य जो हम करना चाह रहे हैं अंत में वो हमारे कार्य विफल हो जाते हैं। हम जो मूल्यांकन करें वो मूल्यांकन हमारा विफल हो जाता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये जो आस्था एवं सिद्धांतों के प्रति जो प्रतिबद्धता की कमी होती है कि हमारे रहे प्रतिबद्ध रहे उसके लिए कि हमें हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारे लिए सही है। हमारी वो विश्वास की कमी हमारे पाठ्यक्रम के निर्माण में हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा के रूप में होती है। फिर है हमारी परंपरा के प्रति प्रेम एवं झुकाव। परंपरा के प्रति प्रेम एवं झुकाव पाठ्यक्रम में हम इस पाठ्यक्रम में हमारे जो सम्मिलित होने वाले जो हमारे प्रकरणों का कुछ प्रकरण करते हैं हम तो प्रकरण के कुछ समय बाद क्या होता है जो हमारे समस्त जो टॉपिक होते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि वो टॉपिक जो बिंदु हम उसमें जोड़े रखते हैं वो उन बिंदुओं का कोई औचित्य नहीं होता कोई मतलब नहीं होता। अगर हम कहें कि वो हमारे किसी काम के नहीं रहते तो हमें क्या करना चाहिए हमें ये करना चाहिए कि जो पॉइंट और जो बिंदु हमारे लिए जिस कार्य का औचित्य नहीं है उसे हमें हटा देना चाहिए। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में कई बार ऐसा होता है कि उस बिंदुओं को हमें नहीं हटाया जाता वो एक तरीके से हमारे पाठ्यक्रम को सिर्फ व्यापक बनाते हैं लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होता। ये हम मान लेते हैं कि ये हमारी परंपरा है। अगर बच्चा उस बात को शुरू में सीखेगा तब भी वो बच्चा सीखेगा और अगर हम उसी का ही बड़ा चढ़ा के रूप हम आगे तक हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ते रहेंगे उसे तब भी बच्चा जो सीखना होगा वो एक बार सीखे यानी कि उसका कोई औचित्य नहीं है। जो हमारा उद्देश्य था वो उद्देश्य तो हमारा पूरा हो चुका। इसीलिए कहते हैं कि कुछ हमारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुएं होती हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता वो केवल हमारे पाठ्यक्रम के हिस्से को या पाठ्यक्रम के भाग को व्यापक बनाते हैं। तो इसीलिए कही है कि हमें ऐसी परंपरा के प्रति ऐसा झुकाव नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे कुछ बिंदुओं का अगर हमारे इसके अंदर औचित्य नहीं है तो हमें उन्हें हटा देना चाहिए। फिर लास्ट जो हमारा बिंदु है वो है हमारा समुचित नियोजन का अभाव। हमने देखा है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करने से पहले हम क्या करते हैं उस कार्य का नियोजन करते हैं। शिक्षक जब अपनी
लेसन की तैयारी करते हैं, अपना जो टॉपिक की तैयारी करते हैं वो उसे पूर्व तैयारी यानी नियोजित के आधार पर करते हैं। लेकिन आज हम कहते हैं कई बार ऐसे होते हैं कि शिक्षक अपने इस नियोजन का या कहे पाठ्यक्रम के नियोजन का अभाव होता है, और फिर जब ये अभाव होता है हमारे पाठ्यक्रम का तो हम इसको एक प्रक्रिया मान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उस नियोजन प्रक्रिया को हम अपनाते ही नहीं है। अगर हम उस नियोजन प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो हमारे पाठ्यक्रम में हमें वो निष्कर्ष वो मूल्यांकन हमें नहीं मिलेगा जिसकी की हमें जरूरत होती है। क्योंकि जब तक हम नियोजन प्रक्रिया को व्यवस्थित नहीं करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से हम कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य हमारा अप्रभावी रहेगा। इसीलिए हमारा जो नियोजित प्रक्रिया है, अगर हम वो नियोजित प्रक्रिया हम पाठ्यक्रम में नहीं बनाते हैं तो वो पाठ्यक्रम में हमारे लिए सबसे बड़ी हमारी बाधा के रूप में हमारे सामने आती है। यानी कि जब हम पाठ्यक्रम संबंधी उचित रूप से अगर हमें निरंतर मूल्यांकन करना हमें मूल्यांकन करना है तो निरंतर जो मूल्यांकन करने के लिए हमें इस नियोजन प्रक्रिया को अपनाना ही पड़ता है। इस प्रक्रिया को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो हमारा वो कार्य अप्रभावी रहेगा। तो ये थी हमारे पाठ्यक्रम निर्माण में आने वाली बाधाएं। इन सभी बाधाओं के बारे में मैंने आपके अध्ययन किया है, आपको बताया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि विद्यार्थी उन्हें अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। धन्यवाद।